दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही मौजूदा टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती दो विकेट तो जल्दी ही हासिल किए, लेकिन जैमिसन और ग्रैंट होम की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोस्तों, तीसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को वाटलिंग के रूप में पहला झटका लगा। वाटलिंग को बुमराह ने आउट किया। न्यूजीलैंड की टीम तीसरे दिन 348 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसकी तरफ से ग्रैंट होम ने 43 रन, जैमिसन ने 44 रन और बोल्ट ने 38 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान विलियमसन ने सबसे अधिक 89 रन बनाए। भारत की तरफ से ईशांत ने 5 विकेट, अश्विन ने 3 विकेट और शमी और बुमराह ने एक एक विकेट चटकाया। दोस्तों, आपको बता दें, पहली पारी में मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम मयंक अग्रवाल, रहाणे, पंत और शमी की उपयोगी पारियों के दम पर 165 रन ही बना सकी थी। दोस्तों, मयंक अग्रवाल ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दूसरी पारी में जैसे ही 13वां रन बनाया, वैसे ही वह इस वर्ष टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर एक भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों, इस मामले में मयंक ने अजिंक्य रहाणे को पीछे छोड़ा। इसके अलावा मयंक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कोहली 58 रन 2012 में, सचिन 24 रन 1990 और सहवाग 14 रन 2002 को पीछे छोड़ा। दोस्तों, आपको मयंक अग्रवाल की पारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।